three, four. तो ईद का मेला लाल किले के आगे लगा हुआ है जो हर साल लगता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो गाइस ये हम पहुंचने वाले हैं मेले के बिल्कुल करीब, तो लाल किले के पास आ चुके हैं हम। और यहाँ से देखिए मेला स्टार्ट हो चुका है। तीन मेले लगे हैं इस बार, हर बार लगते हैं कई मेले लेकिन इस बार जो लगे हैं तीन मेले। फर्स्ट नंबर मेला मैंने दिन में शूट करा था जिसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, लेकिन आज मैं शाम को नाइट में मेला नंबर तीन शूट करने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेले में घूमने में नाइट में कुछ अलग ही खास मज़ा होता है। तो चलिए हम चल रहे हैं और ये मैं गेट नंबर तीन के मेले पर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से हमने एंट्री करी, एंट्री करने के बाद अंदर का नज़ारा देखिए। ये मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पर ये सेल्फी वाला लगा है जो म्यूजिक के साथ लोग अपनी सेल्फी बनाते हैं डांस करते हुए। और ये देखिए वाह कितना खूबसूरत झूला, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बड़ा झूला है ये, कितना कलरफुल। और नाइट में इसमें लाइटिंग है तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी क्योंकि ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी मेला स्टार्ट हुआ है। मेले की मैं टाइमिंग बता दूं, मेला स्टार्ट होता है 4 बजे से रात के 12:30 बजे तक, और ये मेला कमिंग संडे तक रहने वाला है। आई थिंक कितनी डेट होगी, 20 पड़ेगी मेरे ख्याल से, संडे तक 20 अप्रैल तक लास्ट है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो अभी एक दिन है आपके पास। तो भाई ये बहुत ही खूबसूरत है, एक और झूला देखा आपने, ये भी कितना बड़ा झूला है। और इसके चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे राइड्स नजर आ रहे हैं झूले, और जो मेन अट्रैक्शन है तो वो ये सबसे बड़ा झूला। तो ये झूला देखेंगे, ये भी बहुत बड़ा सा झूला है और बहुत ही कलरफुल प्यारा सा लग रहा है। लाइटिंग देखेंगे कितने अट्रैक्टिव बना दिया है इस राइड्स को इसने छोटे बच्चों के लिए। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, बहुत सारे राइड्स हैं। ये देखिए ये मिनी ट्रेन आ गई, इसमें बच्चे भी बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं। और हर राइड्स का जो टिकट है 100 रुपीज से स्टार्ट है। ये भूत बंगला, इसके अंदर आप जाएंगे तो वैसा ही माहौल क्रिएट करा होगा, भूतों वाला, आवाजें खौफनाक, डरावनी आवाजें। 75 रुपीज से 90-100 तक ही है यहाँ पे ज्यादातर टिकट्स। यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं आप अपना। ये देखिए लाइटिंग करके कितना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। और ये देखिए बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे से झूले हैं कलरफुल, जो इस मेले को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो बहुत ज्यादा क्राउड नजर नहीं आ रहा है, लोगों का आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे इस तरह से डांस करते हुए आप अपनी वो वीडियो बनवा सकते हैं
₹100 चार्जेस हैं यहाँ पर भी। ये मिनी ट्रेन है छोटे बच्चों के लिए। चारों तरफ आपको लाइटिंग से डेकोरेट हुए नजर आएगा ये देखिए। और ये यहाँ पे खाने की स्टॉल्स लगी हैं सेंटर में बिल्कुल मेले के, छोले भटूरे। आप यहाँ पे अगर डिनर करना चाहते हैं तो डिनर भी कर सकते हैं। काफी अच्छा लग रहा था देखने में, फ्रेश फ्रेश ताजी यम्मी सा खाना। खाने के लिए काफी सारे आइटम्स थे, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाना चाहते हैं। और ये देखिए एक और झूला बच्चों के लिए प्यारा सा। एक ये भी मैंने देखा, ये राइड्स भी बहुत फास्ट चलने वाली, ये भी अच्छी लग रही है। ये एक बार फिर से आ गया बच्चों का। तो आप देखेंगे ये काफी स्पेसी है मेला, और इसमें दूर दूर तक झूले लगाए हुए हैं बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि छोटी सी जगह में ही कंजेस्टेड है, नहीं, काफी स्पेस है, आप टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो देखिए बच्चों के लिए मुझे जो सबसे अच्छा लगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये चीज अच्छी लगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में बच्चे सेल्फ वो करते हुए बोटिंग। बहुत अच्छा है छोटे बच्चों के लिए ये। और ये देखिए मेरे पीछे गाड़ियां, ये भी बच्चों के लिए छोटी छोटी गाड़ियां हैं, बाइक है, कार है, उसके ऊपर आप घूम सकते हैं। और ये जो ग्राउंड है, इसमें ग्राउंड में भी आपको गाड़ियां नजर आ जाएंगी बच्चों को घुमाने वाली। बच्चे खुद सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं गाइड के साथ। तो चलिए और दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक और झूला नजर आया। तो मेले में मैं चारों तरफ घूम के दिखा रही हूँ आपको यहाँ का माहौल। अच्छा है, काफी अच्छा है मेला। अगर आप घूमने आए तो नाइट में आइए, दिन में नहीं। गाइस मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पर जब आए तो नाइट में आए, दिन में इतना अच्छा नहीं लगा। आप अगर आना चाहते हैं तो नाइट में आइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट राइड्स हैं। ये राइड्स है, उधर भी राइड्स है, उससे आगे भी आप देख सकते हैं राइड्स हैं, काफ़ी सारे झूले हैं, जगह जगह आपको झूले मिलेंगे बच्चों के लिए। काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। चारों तरफ देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइड्स मिलेंगे। और ये तो सबसे ही बेहतरीन मुझे लगा यहाँ पे मेले में। मेले का जो मेन अट्रैक्शन हम कहेंगे तो वो ये है, ये झूला बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही यूनिक सा झूला है, कलरफुल, नाइट में लाइटिंग जलते हुए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो सब लोगों का मेन अट्रैक्शन यहीं पे था, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो पब्लिक ने आना शुरू कर दिया है। क्राउड है बट इतना ज्यादा क्राउड नहीं है, जैसे जैसे टाइम ज्यादा होता रहेगा क्राउड बढ़ता रहेगा। तो ये देखिए छोटे बच्चों के लिए ट्रेन, एक और तो इस मेले की टाइमिंग मैंने पहले भी बता दी है, एक बार फिर से बता रही हूँ। ये मेला लगता है 4 बजे से रात के 12:30 बजे तक। तो आप आ सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जब भी आप आना चाहते हैं टाइम निकालिए। और यहाँ पे चाहे तो आप डिनर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खाने के आइटम भी मिल जाएंगे, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सामान भी मिल जाएंगे यहाँ पे, और गेम्स भी हैं यहाँ पे, निशाना लगाने वाले और रिंग वाले गेम्स, ये सब चीजें यहाँ पे नजर आई हैं। पान की स्टॉल नजर आई यहाँ पर मुझे, बहुत सारे पानों की वैरायटियां थी, देखेंगे पान वाले के पास भी चलकर। ये बच्चों के लिए टॉयज रखे हैं, और ये वो रिंग वाली गेम होती है, रिंग फेंककर जिसके अंदर चला गया रिंग वो चीज आपकी। तो यहाँ पे ये वाला स्टॉल भी लगा हुआ है। ये घूम फिर कर हम फिर वहीं आ गए। तो आप ये देखिए बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा मुझे लगा
अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे बच्चों के लिए वो अच्छा लगा, और ये देखिए ये झूला भी बहुत अच्छा लगा। ये पान की स्टॉल की दुकान आ गई, हमने घूमा फिरा थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद एक मीठा पान खाया 20 रुपीज का, सिर्फ 20 रुपीज का इन्होंने मीठा पान दिया और बहुत ही अच्छा। तो गाइज ये मेला नंबर 3 था लाल किले के पास जो है, और ये मैं पूरा एक्सप्लोर करा चुकी हूँ, आपको बहुत अच्छा है, आप नाइट में आ सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ, रखती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।